कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर। भगवान की कथा बड़ी कल्याणकारी है, लेकिन ये असर बड़े धीरे धीरे करती है, समय लगता है। जिस प्रकार बार बार कुआं की पाट पर रस्सी डालने से पत्थर के में भी रस्सी का निशान पड़ जाता है, रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान, उसी प्रकार भगवान की कथा को भी बार बार सुनना चाहिए, हृदय में भक्ति का निशान पड़ जाता है। कितनी अच्छी बात है। बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए, क्या जरूरी है? एक बार सुन लिया कल्याण हो गया, अब बार बार वही टेंट लगाना, वही भागवत, वही कंस को मारना, वही भगवान की कथा। अरे भाई साहब, ना जाने कौन सा शब्द तुम्हारे दिल में चोट कर जाए और भक्ति का बीज अंकुरित हो जावे। राम कहते रहो भैया, कथा सुनते रहो, राम कहते रहो, मन को राघव के चरणों में लगाया करो, मन को राघव के चरणों में लगाया करो, राम जी के चरणों में अपने मन को लगाया करो, सुना करो कथा। मेरे माई बाप, भगवान का पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ हुआ, रुक्मणी मैया के साथ विवाह भगवान का, आहा, विचित्र विधि से हुआ। भगवान ने हरण किया, रुक्मणी के भाई रुक्मी से युद्ध हुआ, लेकिन रुक्मणी मैया का प्रण था कि हे ठाकुर जी, या तो हम आपके चरणों की दासी रहेंगे या तो फिर हम मर जाएंगे। एक बात बोले, हमारे ठाकुर जी के चरणों में जो सदा के लिए आ जाता है ना, भगवान उसको कभी रुलाते नहीं। प्रभु की याद में कोई रोए तो बात अलग है, परमात्मा के लिए रोए तो बात अलग है, पर हमारे ठाकुर जी संसार के लिए फिर किसी की आंखों में आंसू नहीं देखते। अरे हम तुमसे ही पूछते हैं, आप बताओ, बेटा कितना भी बेकार हो, नालायक हो, पिता को गाली बकता हो, पिता को मारता हो, पिता की बात ना सुनता हो, क्या पिता चाहेगा कि हमारे बेटे का बुरा हो जाए? बोलिए, कौन संसार का ऐसा बाप होगा जो अपने पिता का अहित चाहेगा? फिर परमात्मा तो परम पिता है, ये कब चाहेंगे कि हमारे भक्तों का अहित हो जाए?